हिंदू जागरण मंच उरई जिला जालौन के संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। मामला उरई जालौन के कालपी नगर का, जहां आज भारी तादाद में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक नीलाभ शुक्ला जी की अगुवाई में उप जिलाधिकारी महोदय कालपी जी को राजस्थान उदयपुर में घटना जो घटित हुई उसके संबंध में ज्ञापन दिया और नारेबाजी की। इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस बल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष जी के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। R9 भारत से प्रशांत शुक्ला, जिला संवाददाता उरई जालौन। भारत से प्रशांत शुक्ला, कालपी नगर के ये सामुदायिक जिला स्वास्थ्य केंद्र, नगर स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता ज्ञापन अभी अभी इन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय अंकुर कौशिक जी को अभी अभी ज्ञापन दिया। आइए हम बात करते हैं हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष नीलाभ शुक्ला जी से, किस संबंध में इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। जी नीलाभ जी, आप बताइए। जी, मेरा नाम नीलाभ शुक्ला है, मैं हिंदू जागरण मंच का जिला संयोजक हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मुस्लिम समाज के दो युवकों द्वारा राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल जी की निर्मम तरीके से और एक साजिश के तहत एक कायराना हरकत करके जो गला उसका काटा गया है, इससे हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और इस तरीके की इस्लामिक कट्टरता को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि अगर किसी की भावनाओं को भड़काया जाता है या किसी को कुछ गलत लगता है तो उसके लिए ये ना सीरिया है ना पाकिस्तान है, ये हमारा भारत देश है। संविधान और कानून के हिसाब से भारत चलेगा, ना कि यहाँ शरिया का कानून चलेगा कि इस्लामिक कानून चलेगा। इस तरीके के इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों के हम लोग सख्त विरोध में है और हिंदू जागरण मंच इसका पूरी तरीके से विरोध करता है और ये मांग करता है माँ हम महिम राष्ट्रपति जी से कि ऐसी सरकार जिसमें शासन और प्रशासन अपना लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहा है और इस तरीके की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, इस सरकार को बर्दाश्त करें और उस कायर प्रशासन को जिसके बराबर कन्हैया लाल और उसके परिवार के लोग सूचना देते रहे कि हमारी जान की सुरक्षा है, फिर भी उसे राजस्थान प्रशासन द्वारा, उदयपुर प्रशासन द्वारा कोई भी सुरक्षा व्याप्त नहीं कराई गई और उसकी हत्या कर दी गई है। लगातार इस तरीके की घटनाएं राजस्थान में बराबर हो रही हैं जिससे हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लोगों को काफ़ी खतरा है। इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं, हमारा हिंदू जागरण मंच पूरे प्रांत में, पूरे देश में ज्ञापन और धरना प्रदर्शन और पुतला दहन के हिसाब से विरोध व्यक्त कर रहा है कि ऐसी सरकार को बर्दाश्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए और जिन लोगों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने कन्हैया लाल की एप्लीकेशनों पर, एफआईआर पर ध्यान नहीं दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी उन्हें दंडित करके कानूनी कार्रवाई की जाए और राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया और जल्द से जल्द जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों पर फांसी पर चढ़ाया जाए। जे नहीं कि हमारा जो पैसा सरकार के पास जाता है उससे उनको बिरयानी और दाल रोटी खिलाई जाए और सालों तक ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहे। ये थे हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक नीलाभ शुक्ला जी। जय जय श्री राम।